दूसरा कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जारी कर दिया गया है, जहां पर हर सेलेब्रिटी लोग घर में बैठे हैं और कोई भी मूवीज की, कोई भी टीवी सीरियल्स की कोई भी शूटिंग नहीं चल रही इस वक्त। लेकिन वही इस कोरोना वायरस ने टीवी चैनल्स के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि हर हफ्ते की टीआरपी रेटिंग्स के हिसाब से ये एक रिजल्ट आता है कि कौन सा सीरियल कितने नंबर पर है और कौन सा सीरियल बहुत ज्यादा टॉप पोजिशन पर है और कौन सा लोअर पोजिशन पर है, और कौन से सीरियल को, कौन से शोज को ज्यादा फायदा हुआ है, कौन से शोज को इजाफा हुआ है, ये सब हमें टीआरपी रेटिंग से पता चलता है। और इस हफ्ते यानी कि 2020 के 13वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट वेल सामने आ चुकी है, जिसको लेकर बहुत बड़ा सा गिरावट देखने को मिला हमें टीवी बाकी जो कंपेरेटिवली जो दूसरे टीवी चैनल्स हैं उनके जो टीवी शोज है, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, कहीं पर भी कोई भी शूटिंग नहीं चल रही है, तो इस वजह से जो टीवी शोज है उस पे जो सीरियल्स है वो रीटेलीकास्ट किया जा रहा है, जो पहले के एपिसोड से उसे ही रीटेलीकास्ट किया जा रहा है, जिसके वजह से फैंस जो ऑडियंस है जो व्यूवर्स है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहे। लेकिन लगता है कि कोरोना वायरस का ये जो लॉकडाउन है वो दूरदर्शन के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। जैसे ही लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था और टीवी शोज की शूटिंग बंद कर दी गई थी, उसी दूसरी तरफ दूरदर्शन चैनल पे बहुत शोज जो आइकॉनिक शोज थे दूरदर्शन के वो रिपीट टेलीकास्ट हुए हैं, और ऐसे में फैंस इस शोज को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं एंड कि ये टीआरपी में भी बहुत बड़ा बहुत इसकी ग्रोथ देखने को मिली है। वही तो सबको बता दें कि सास बहू टीवी शोज और ड्रामा शोज की वजह से कोई भी आजकल के जनरेशन में बिल्कुल भी दूरदर्शन नहीं देखता था, वो ना के बराबर ही देखते थे, बिकॉज 90s के जनरेशन में बहुत ज्यादा हम दूरदर्शन पे बहुत हम देखते थे, और जो 90s किड है, जो 90s वाले हैं, तो उन्हें तो पता ही होगा कि वो दूरदर्शन कितना फॉलो करते थे। लेकिन अब इस जनरेशन की बात करें तो इस अभी जो करंट जनरेशन है, करंट सिनेरियो, उसमें कोई भी बहुत ज्यादा दूरदर्शन फॉलो नहीं करता। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि दूरदर्शन आज के वक्त में हर किसी का फेवरेट चैनल बन गया और ये टीआरपी में धमाल मचा रहा है लिटरली। फिर 13वें हफ्ते का टीआरपी रेटिंग सामने आया, जिससे पता चल रहा है कि ये दूरदर्शन जो है ये इसने ना एक अलग ही हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, कि ये जो पिछले सालों में जब लास्ट टाइम ये टेलीकास्ट किया गया था तब उसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी, हालांकि सुपरहिट शोज रहे हैं, लेकिन इस बार जो वो रिटेलीकास्ट हुआ तो इसने लिटरली टीआरपी मामले में धमाल मचा दिया है। और रिटेलीकास्ट में बहुत से शो शामिल है, जैसे कि रामायण, महाभारत और देख भाई देख शामिल है, शक्तिमान शामिल है जो कि हर बच्ची का फेवरेट है शो, साथ ही साथ बुनियाद भी जैसे शो शामिल है, और ये शो इस वक्त बहुत ज्यादा धमाल मचा रहा है और ये हर किसी का फेवरेट भी हो रहा है। इस वक्त जो लॉकडाउन की वजह से सारे जो लोग हैं फैमिली एक साथ घर में बैठ के टीवी शोज देख रहे हैं और स्पेशली दूरदर्शन को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। एक बार फिर से दूरदर्शन ने लोगों के दिलों पर राज कर लिया, उसका सबसे बड़ा दोस्तों सपोर्ट टीआरपी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टीआरपी रेटिंग से ये तय करता है कि कौन सा शो टॉप पोजीशन पर, कौन सा शो लो पोजीशन पे है। ऐसे में दूरदर्शन के जो सभी टीवी शोज है, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, ये टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। वही दोस्तों आपको बता दें कि दूरदर्शन के प्रसार भारती के जो सीईओ है उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है और उन्होंने ऑडियंस को, व्यूवर्स को धन्यवाद किया है कि उन्होंने जिस तरह से लॉकडाउन में इन सभी दूरदर्शन को फॉलो किया है, उससे 13वें हफ्ते में बार्क रिपोर्ट के हिसाब से दूरदर्शन टॉप वन चैनल बन गया है और ये इंडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल भी बन गया है। उससे ट्वीट में प्रसार भारती ने ट्वीट करके कहा है कि इस हफ्ते में जो टीआरपी रेटिंग्स है दूरदर्शन के लिए वो उसमें ना और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि दर्शक ने इसे पिछले हफ्ते भी फॉलो किया था, लेकिन इस हफ्ते जो टीआरपी रिपोर्ट्स के हिसाब से देखे तो रेटिंग्स बहुत ज्यादा हाई हो गया और ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। लोग दूरदर्शन को कम्प्लीटली फॉलो करें एंड जो मेकर्स है वो बहुत ज्यादा एंजॉय करें, इस बात से बहुत खुश है कि एक बार फिर से दूरदर्शन के जो सभी शोज है वो एक बार फिर से ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 12वें हफ्ते में दूरदर्शन की जो व्यूअरशिप थी वो 267 मिलियन थी, लेकिन 13वें हफ्ते की अगर बात करें तो 13वें हफ्ते में इस दूरदर्शन चैनल को जो व्यूअरशिप मिला है वो 2107, मतलब कि यानी कि 2107 मिलियन व्यूअरशिप मिले हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि दूरदर्शन को इस बार 650% की ग्रोथ मिली है। अब ये देखकर या जानकर मेकर्स बहुत ज्यादा खुश है कि दूरदर्शन को, जो कि कभी किसी ने 90s के बाद जब किसी ने इस चैनल को फॉलो नहीं किया, लेकिन आज के समय में वापस ये जो चैनल है दूरदर्शन वो टॉप पोजीशन पर आ गया है, इसने अपना फिर से वो टॉप पोजीशन है वो हासिल कर लिया। वेल रामायण सीरियल और महाभारत ने पहले हफ्ते में ही जैसे कि इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि टेलीकास्ट होने वाला है, तभी इसी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फर्स्ट वीक में ही, फर्स्ट पहले हफ्ते में भी इसने बहुत धमाल मचाया था
या पिलर्स में, लेकिन दूसरे हफ्ते में इसने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है और इसे कम्प्लीटली 100% यू नो व्यूअरशिप मिला है और इस हिसाब से यू नो ये जो टॉप ये जो सीरियल है वो टॉप पोजीशन में बना हुआ है और दर्शक इसे पसंद करे और इसे जानकर मेकर्स भी खुश है क्योंकि पिछले हफ्ते अगर बात की जाए तो इसे 100% व्यूअरशिप मिला था, लेकिन इस बार अगर 13वें हफ्ते की बात करें तो रामायण सीरियल को 556 मिलियन व्यूअरशिप मिले हैं तो वही महाभारत सीरियल को 150 मिलियन व्यूअरशिप मिले हैं। ऐसे में ये अपने आप में बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत ही ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जिसे जानकर जिसे सुनकर फैंस भी बहुत ज्यादा खुश है, व्यूअर्स भी एक्साइटेड है, साथ साथ मेकर्स भी एक्साइटेड है। तो दोस्तों ये शो आपको कितना एंटरटेन कर रहा है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।